I'll give you an I'll share an incident with you jo bahut log nahi jante. Maine kabhi kisi se discuss nahi kiya hoga. 1993 ki baat hai. Main aur mera chota bhai Dharmesh hamare ek dost ke yahan dinner pe gaye the. To wahan pe unhone mujhe pucha bhai aap kya bana rahe ho? Maine kaha main ek film shuru kar raha hu usme Sunny Deol aur usme Juhi Chawla cast karne wala hu. Bole damn good Juhi Chawla top heroine thi, Sunny Deol top hero the. Phir Dharmesh ko, Dharmesh aap kya kar rahe ho? कहा मैं आमिर खान के साथ फिल्म शुरू कर. बोले वाओ आमिर खान और उसके साथ कौन किसको कहा? बोले मैं करिश्मा कपूर को कास्ट करने वाला हूँ. तो वो जो व्यूअर थे उनका रिस्पांस बहुत बुरा था, सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि करिश्मा कपूर में एक लड़की है ना, वो टॉमबॉयज ज़्यादा थी, एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं थी. तो उन लोगों ने बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन धर्मेश बहुत डिटर्मिंड था. उस रात वो बहुत नाराज़ था, वो उनसे नाराज़ था जिन्होंने उसकी सिलेक्शन को अप्रूव नहीं किया था. और उस दिन उस रात उसने मुझे कहा था, सुनील मैं इसे नंबर वन हीरोइन बना के रहूँगा. धर्मेश ने मेरी फिल्म लुटेरे में जूही चावला का एक प्रेजेंटेशन ही चेंज किया. जूही चावला जो एक टू प्लेटेड हीरोइन होती थी उसको एक ग्लैमरस हीरोइन बना के ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया था. अब उसने करिश्मा कपूर को एक चैलेंज की तरफ उठाया और करिश्मा कपूर जो बहुत मेहनतू लड़की थी तो वो उसके साथ मिल के उसने राजा हिंदुस्तानी स्ट्रक्चर की और कामयाबी पाई. मेरे दिमाग में करिश्मा कपूर तब से शुरू हुई. फिर मेरी करिश्मा कपूर से मुलाकात हुई जीत के सेट पे, वो सनी देओल के साथ काम कर रही थी. मैंने देखा बहुत लगन थी उस लड़की में उस वक्त. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी फिल्म में करिश्मा कपूर को ही कास्ट करूँगा. और मैंने सनी देओल के साथ करिश्मा कपूर को कास्ट किया अजय में. वहाँ से मेरा उसके साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ. उसके बाद करिश्मा कपूर बहुत बड़ी हीरोइन बन गई, राजा हिंदुस्तानी के बाद वही नंबर वन हो गई. तो मैं जब जानवर शुरू कर रहा था तो मैंने हीरोइन कास्ट करी, मैं उनके पास गया. उस वक्त अक्षय कुमार का थोड़ा लो फेज था, लेकिन हम वी हिट इट ऑफ वेरी वेल. तो करिश्मा बट नेचुरल मेरी फिल्म की हीरोइन रही. जानवर के बाद हमने एक रिश्ता बनाई, उसमें भी करिश्मा कपूर को कास्ट किया. हाँ मैंने भी प्यार किया जब शुरू की, तो धर्मेश और करिश्मा कपूर को एक साथ फिर लाए. और फिर करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन, उन्होंने एक इकलौती फिल्म में एक्टिंग की जो हाँ मैंने भी प्यार किया थी. और मैं इस बात का फ़ख्र महसूस करता हूँ कि करिश्मा कपूर आइंदा बहुत फिल्में करेगी, लेकिन इस नए फेज़ में जो उसके करियर की मैं सबसे बेहतरीन फिल्म समझता हूँ वो मेरी फिल्म मेरे जीवन साथी होगी. उसमें उसका रोल बहुत अच्छा है. करिश्मा कपूर एज एन एक्ट्रेस, एज अ परफॉर्मर, एज अ गर्ल, एज अ ग्लैमर गर्ल, अपना परफेक्शन, उसने अपना मेकअप का परफेक्शन सीखा और कंटिन्यूसली ग्रो होती रही है. आई हैव वॉच्ड टू दैट. करिश्मा कपूर ने अपने दिमाग को अपने काम पे जब जब फोकस किया तो उसने सक्सेस ही हासिल की. हर फोकस इन राजा हिंदुस्तानी वाज सो ट्रेमेंडस दैट शी न्यू दैट शी हैड टू बी नंबर वन एंड शी अचीव नंबर वन विद दैट फिल्म स्टेटस. उसके बाद भी जब भी उसने अपना लुक पे वर्क किया, करिश्मा कपूर का लुक इनिशियली इट वाजंट सो परफेक्ट सो फिनिश्ड. आई हैव सीन अ ग्रोथ. उसने अपना मेकअप कैसे सीखा, उसने अपने फेस को कैसे घंटों स्टडी करके उसकी इम्परफेक्शन को करेक्शन करना सीखा. आई ऑब्जर्व डू ऑल दैट. उसकी ड्रेस सेंस जो पहले थोड़ी गॉडी थी उसने मनीष मल्होत्रा को इन्वॉल्व करके अपने आप को कैसे क्लास स्टेटस ग्लैमर परफेक्शन अचीव की, नियर परफेक्शन अचीव की मैं कहूँगा कि परफेक्शन तो आई डोंट थिंक किसी को परफेक्शन अचीव है उसके बाद क्या, यू नो. तो शी हैज़ कंटिन्यूसली वर्कड ऑन हरसेल्फ एंड ग्रोन, दिस इज़ फॉर श्योर. शिल्पा शेट्टी भी ग्लैमर हीरोइन थी, काफ़ी फिल्में उन्होंने की पहले. मैं करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी और जूही चावला, ये तीन हीरोइनों के करियर में जो लैंडमार्क, वो जो स्टोन होता है ना, जो जहाँ से करियर बदलता है, हालांकि वो अंडरप्लेड एक्टर फिल्म मेकर है मेरा भाई धर्मेश, उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ. चाहे जूही थी लुटेरे में, उसका इमेज चेंज किया. करिश्मा कपूर कहाँ से कहाँ तक ले गया राजा हिंदुस्तानी में. और शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी भी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ पे फिल्म मेकर्स ने उसको इग्नोर कर दिया था. और फिर धर्मेश ने उसके साथ एक फिल्म बनाई धड़कन, जिसमें फिर शिल्पा शेट्टी को लोगों ने पहचाना और बहुत बड़ा उसके करियर का एक लैंडमार्क मैं कहूँगा धड़कन फिल्म रही. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने शिल्पा शेट्टी को
एक बहुत अच्छा रोल दिया. और मेरा आज भी विश्वास है कि शिल्पा शेट्टी और जो परफॉर्मेंस की भाषा समझता है या परफॉर्मेंस गेज करना समझता है तो वो ज़रूर मेरी बात पे एतबार करेगा कि शिल्पा शेट्टी के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी फिल्म में है जिसका नाम जानवर था. उसने क्योंकि वहाँ उसके पास ग्लैमर नहीं था, उसके पास एक बड़ी कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, एक कैरेक्टर था, एक तड़पती हुई माँ थी जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और उस रोल को उसने बहुत मैच्योरिटी के साथ निभाया. यू सी इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग एंड ओनली दोज एक्ट्रेसेस एंड दोज एक्टर्स एंड दोज फिल्म मेकर्स फॉर दैट मैटर हु आर कंटिन्यूसली लर्निंग एंड ग्रोइंग कैन मैनेज टू एक्सटेंड देयर सक्सेस.